आज आपण माने सहित माछ मंजी बेसर तरकारी रेसिपी टी शेयर करबी। बहुत टेस्टी लागे। आपण माने जानिथिबे माछ मंजी रे बराव करिके आपण माने स्नैक भाबरे खाइथिबे, तरे बेसर करिके आपण माने एबडी भाबरे ट्राई करंतु, बहुत टेस्टी लागिबो। याकु आपण माने गरम भात सहित खाइबे, बहुत भलो लागिबो। चालंतु या किपरि भाबरे बनेबा देखिनबा। नमस्कार दोस्तों, बंधु रेखा किचन को पुनतरे स्वागत। आज मुझे सहित गोटे ननवेज रेसीपी सेयार करी, माछ मंजी बेसर तरकारी। आपने गरम भात सहित खाईपरि, बहुत भल लगे। माछ मंजी की नहीं गोटे टेस्टी रेसीपी किपर भाव में बनइबे, वीडियो को बिल्कुल लास्ट पर्यटन देखो। आपन भी बनई कि फैमिली फ्रेंड सहित सेयार करेंगे। रेसीपी जब भल लगुए लाइक सेयार निश्चय करेंगे। मोर यह भाव में नुआ नुआ वीडियो देखापी जब चाहते हैं प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करनी। अपडेट हाँ सैड छोटे बेल आइकन को प्रेस करंतु। चलंतु आज हम जानबा माछ मंजी बेसर तरकारी टी। माछ मंजी बेसर तरकारी पई मु एटी माछ मंजी नेची, याकु भलो भाबरे परिष्कार करी धोई नबा। धोइला बले आपण माने बाउल ले धोइबे, न जते माछ मंजी पानी रे भासी जाए। एई देखंतु माछ मंजी धोई मु अल्प टिके हळदी गुंड गोळेई नेची। याकु एबे आमे प्रिपेयर करबा बरा बनेया पई। एबे चलंतु सेतिरे काटिक रखिथिबा प्याज दे दबा। प्याज रो क्वांटिटी के अधिक देबे। कटा धनिया पत्र दे दबा। कटा कंचा लंका दे दबा। लंका आपनको पसंद अनुजाई देबे। स्वाद अनुजाई लुण दे दबा। एबे सेतिरे अदा रसुण पेस्ट मु एटी गोटे चमच दे दउची। अदा रसुण पेस्ट जगह रे आपण माने कटा अदा रसुण मध्ये दे पारिबे। एटी मु बेसन नेची। बेसन मु 3 चमच यूज करिबी। आवश्यक पड़िले आपण माने आउ बेसन मध्य गोटे चामच आड करि परिबे। याकु भलो भाबरे गोळेई नबा। आपण मन पाखरे जदि चाउळ गुंड थाय ताले आपण माने 2 चामच बेसन दे आउ गोटे चामच चाउळ गुंड मध्य देई परिबे। आपण माने हातरे चकड़ी नेबे, भलो भाबरे चकड़ी हेई जिवो। देखंतु बरा बनेया पई मिक्सर हमर बिल्कुल रेडी हेई गला। एबे चलंतु बेसर मसला प्रिपेयर करबे। सेति पई गोटे ब्लेंडिंग जार नै जे। एबे सेतिरे सोरिष छोटे चामच रे 1.5 चामच देई छी। जीरा मध्य छोटे चम्मच रे 1.5 चम्मच दे छी। कटा प्याज दे दबा। या सहित रसुण कुळा मध्य दे दबा। सुखिला लंका मुईटी 2टी दे छी। लंका आपनको पसंद अनुसार देबे। अल्प टिके पानी दे भलो भाबरे याकु गोटे पेस्ट बनै नबा। देखंतु मसला पेस्ट हमर बिल्कुल रेडी हे गला। एटारे मु गोटे टमाटर को लंबा लंबा भाव में काटि सहित आलू को चोपा छड़े काटिकी धोईकी नहीं आई। एवं चलत प्यान टी गरम कर सोरिष तेल देद। तेल को गरम हवापी छाड़ा। तेल गरम हो गले गोलैक रखि मिक्सर रु अल्प अल्प आनी आम तेल धीरे देद। यह भाव में आपण मैने बरा प्रस्तुत करने। आपणको मन पसंद साइज रे आपण माने बरा गुड़िक छोट कि बड़ साइज करें। गोटे साइड हो गल आर साइड के ओल्टे नबा। एभली भाव एपट सेपट कर बादामी कलर हेला पर्यंत आपण माने लो फ्लेम रे बरा गुड़ी को भल भाव भाजी ने। गैस रो फ्लेम को हाई करी भाजिबे नी, कारण हाई करी भाजिले उपरी भाग टी सांगे सांगे भाजी हे जियो भीतर कंचा रही जिवो। सेतिपे लो फ्लेम रे आपण माने भलो भाबरे लाइट ब्राउन हला पर्यंत भाजी नेबे। देखि पारतिए बरा हमर रेडी हे कलाणी। म या को काढी गोटे प्लेट धेर रखि नउ छी। देखंतु माछ मंजी बरा बिल्कुल रेडी हे गला। सेम प्रोसेस रे मु एठारे सब बरा गुड़ी को भाजी नै आइ छी। आपण माने चाहिले या को स्नैक भाबरे खाइ परिबे। एबे चलंतु तरकारी बनेबा। कढ़ाई टिके गरम करि सेतिरे सोरिष तेल 2 चम्मच दे दबा। तेल गरम हे गेले काटि के रखिथिबा प्याज दे दबा। प्याज को बादाम कलर हेला पर्यंत या को आपण माने तेल रे भल के टिके भाजी नेबे। देखिपे प्याज रो कलर बढ़िया भाव में चेंज हो गला। बाटिक रखि बेसर मसला देद। अल्प टिके मसला पानी मध्य देद। स्वाद अनुजाई लुण देद। हलदी गुंड हाफ चमच देद। लंका गुंड मुईटे गोटे चमच देदेज। आपण मैंने जीक राग खाइबे से अनुजाई लंका गुंड आड करेंगे, कारण मसलार आम शुखला लंका बाटिंट। ये सबको भल भाव गोल मसला को टे कषि नवा।
ମସଲାରୁ ପାଣି ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ କଷି ନେବେ। ବେଶୀ ସମୟ କଷିବେନି, ବେସର ମସଲା ବେଶୀ କଷିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପିତା ହେଇଯାଏ। ମସଲା ତ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ମସଲାରୁ ବି ପାଣି ମରିଗଲାଣି। ଏବେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଟମାଟର ଦେଇଦେବା, ଏହାକୁ ମସଲା ସହିତ ଭଲକି ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଟମାଟର ସଫ୍ଟ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଭଲକି ଗୋଳେଇ ନେବେ। ଏବେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁ ଦେଇଦେବା, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ 2-3 ମିନିଟ ମସଲା ସହିତ ଭଲକି ଟିକେ କଷି ନେବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପାଣି ଆଡ୍ କରିବା। ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ଗ୍ରେଭି ରଖିବେ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ପାଣି ଆଡ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଛୋଟ ଗ୍ଲାସରେ 1 ଗ୍ଲାସ ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ପାଣି ଆଡ୍ କରିନେଇଯାଉଛି। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଏହାକୁ ଆମେ କଭର କରିନେବା। ମସଲା ସହିତ ଆଳୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ସିଝିଯିବ। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରି 4-5 ମିନିଟ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ କଭର କରିକି ସିଝେଇ ନେବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା, କଭରଟିକୁ କାଢି ନେବା, ଦେଖିବା ଆଳୁ ଆମର ସିଝିଛି କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ତ ଆମର ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ମାଛ ମଞ୍ଜି ବରା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଇଦେବା, ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆମ୍ବୁଲ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ 1 ପିସ୍ ଆଡ୍ କରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏହାକୁ ଏବେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଭର କରି 4-5 ମିନିଟ ଆପଣମାନେ ଛାଡ଼ି ନେବେ। ମସଲା ସହିତ ମାଛ ମଞ୍ଜି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। 4-5 ମିନିଟ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ମଞ୍ଜି ବେସର ତରକାରୀ ବିଲକୁଲ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିନେବା, କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଇଦେବା, ଭଲକି ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆମେ ସର୍ଭ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗରମ ଗରମ ଭାତ ଦେଇଦେଇଛି। ଭାତ ସହିତ ଆପଣମାନେ ମାଛ ମଞ୍ଜି ବେସର ତରକାରୀ କରି ଖାଇବେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମାଛ ମଞ୍ଜି ବେସର ସର୍ଭ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ସର୍ଭ କରିନେଇଛି, ଏହା ସହିତ ପିଆଜ ଲେମ୍ବୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛ ମଞ୍ଜି ବେସର ସହିତ ଗରମ ଗରମ ଭାତ ମୁଁ ଏଠାରେ ସର୍ଭ କରିନେଇଛି, ଖାଇବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଥରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ମାଛ ମଞ୍ଜିରେ ତରକାରୀ କିପରି ଭାବରେ ବନେଇବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମାଛ ମଞ୍ଜି ଆଣି ଆପଣମାନେ ବେସର ତରକାରୀ ବନେଇ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ, ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଖାଇ କ'ଣ କହିଲେ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ରେସିପି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିନେବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଅପଡ଼େଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ଛୋଟ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହିଲି, ନମସ୍କାର।